ममता बनर्जी की सांसद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया दोस्तों। और मुद्दा क्या मैं आपको बताता हूं, एक एथिक्स समिति ने जांच की किस बात को लेकर, दो मुद्दों को लेकर। एथिक्स समिति का यह आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने रिश्वत ली सवाल पूछने के बदले में। मुद्दा नंबर दो, उनका जो लॉगिन है यानी सांसद का जो लॉगिन होता है वो विदेशी जमीन पर खोला गया 47 बार, और इन दो मुद्दों पर उनकी सांसदी जो है उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह दोस्तों कि पैसे के आदान प्रदान का कोई सबूत नहीं है, यानी भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर कोई जांच नहीं हुई मगर महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई। दूसरी बात, जिस मुद्दे पर उनकी सांसदी चली गई है, एथिक्स समिति ने जिस मुद्दे पर उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की है कि उनका जो सांसद का लॉगिन था वो विदेशी जमीन पर खोला गया, 47 बार खोला गया, इस मुद्दे को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। आज यही सवाल कई सांसदों ने, विपक्ष ने भी उठाया, मगर आज जो मैं मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं वो ये, नंबर एक, क्या महुआ मोइत्रा को यह सजा इसलिए मिली क्योंकि वो गौतम अडानी पर लगातार सवाल करती रहती हैं? महुआ मोइत्रा वो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उद्योगपति गौतम अडानी से जो निकटता है उस पर लगातार सवाल पूछती रहती हैं, बार बार सवाल पूछती रहती हैं। और क्या यह महज इत्तेफाक है कि जो जो लोग अडानी पर एक्टिव हैं, राहुल गांधी सांसदी चली गई थी, 2 साल की सजा मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया, संजय सिंह जेल में है, महुआ मोइत्रा संसद से निष्कासित कर दिया गया, क्या यह महज इत्तेफाक है कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र के बारे में सवाल करेगा, चाहे वो नेता हो चाहे पत्रकार हो, उन पर बार बार निशाना साधा जाता है? आखिर क्या वजह है इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार आमने सामने हो गई है? विपक्ष का यह कहना है कि 500 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है एथिक्स कमेटी ने और उसे पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इतना बड़ा कदम उठाती है एथिक्स कमेटी जिसमें सवाल के बदले कैश का आरोप लगाया जा रहा है, रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है, तो कम से कम उस 500 पन्नों की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए विपक्ष को समय तो मिलना चाहिए, मगर बीजेपी इसे गलत साबित कर रही है। बीजेपी क्या कह रही है, उनकी सांसद हिना गवित क्या कह रही है, वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। मगर बड़ा प्रश्न यहां पर यह कि अगर महुआ मोइत्रा को इसीलिए संसद से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनका जो सांसद का लॉगिन है वो कोई और खोल रहा था, तो क्या आपको नहीं लगता है इस मुद्दे पर पारदर्शिता होनी चाहिए? 500 से ज्यादा जो सांसद हैं, 500 से ज्यादा सांसद हैं, इंटरनेट पर उनका खाता, उनका लॉगिन अकाउंट कौन खोल रहा है, क्या इस पर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आनी चाहिए? और क्या उसके बाद महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? महुआ मोइत्रा कह रही है कि मुझे उस मुद्दे पर निष्कासित किया गया है जो रूल ही नहीं है, यानी कि बगैर किसी दिशा निर्देश के, बगैर किसी नियम के, महज सेंस ऑफ हाउस यानी कि सदन क्या सोचता है, ध्वनि मत पर उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। सुनिए महुआ मोइत्रा किस उग्र अंदाज में अपनी बात पेश कर रही है, सुनते हैं। देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी कैश ऑफ एनी गिफ्ट्स एनीवेयर। The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission.
Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure? Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adi mhang hingstro manubikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. Jab nash manush par chhata hai, to pehle vivek mar jata hai. We are going to come back and we are going to see the end of you. So thank you very much. बहरहाल ये मुद्दा क्या है दोस्तों, एक एक पहलू, कौन सा पक्ष क्या कह रहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले मामला क्या है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार संहिता की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दे दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई। विपक्ष, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस, ये लगातार कह रहा था कि महुआ मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ऐसी कोई परिपाटी, ऐसी कोई मिसाल नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप संसद से किसी को निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस मुद्दे पर उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, मगर अध्यक्ष ओम बिरला कह रहे हैं कि साहब ऐसी कोई परिपाटी नहीं है, हम तो निष्कासित कर ही देंगे। कांग्रेस भी अपनी तरफ से कह रही है, मनीष तिवारी, अधीर रंजन चौधरी दोनों कह रहे हैं 500 पन्ने की रिपोर्ट है, कम से कम पढ़ने का मौका तो दिया जाए। आखिर क्या वजह है कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा, किस बात से मोदी सरकार डरती है, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी सांसद हिना गावित ने क्या कहा है कांग्रेस के जवाब में, आपके स्क्रीन पर मनीष तिवारी के सवाल का जवाब देते हुए हिना गावित ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, 2005 में कांग्रेस सरकार के दौरान एक ही दिन रिपोर्ट पेश की गई थी और उसी दिन 10 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था, मैंने 2 घंटे तक पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। हिना ने कहा कि 47 बार दुबई से महुआ मोइत्रा का अकाउंट लॉग इन हुआ, जबकि रूल में साफ लिखा है कि अपना संसदीय आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, 4 अलग अलग शहरों से महुआ का अकाउंट लॉग इन हुआ है। तो चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, मुद्दा यह है कि अगर सरकार को लग रहा है कि महुआ मोइत्रा का अकाउंट 4 शहरों से दुबई से लॉगिन हो रहा है, पहली बात, क्या इस बात के प्रमाण हैं कि महुआ मोइत्रा ने नहीं किसी और ने किया था। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा 500 से ज्यादा सांसद हैं, 540 सांसद हैं, बड़ा प्रश्न यह कि उन सांसदों का लॉगिन कौन हैंडल कर रहा है, उनके अकाउंट कहां कहां खुले हैं, क्या इस पर पारदर्शी जांच नहीं होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा बहुत उग्र हैं, वो अपनी बात रख चुकी हैं, उनका यह कहना है कि मुझे झुकाने के लिए हर नियम तोड़ दिया गया। महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं, उनकी बात आप सुन चुके हैं। महुआ मोइत्रा कहती हैं,
लोकसभा से निष्कासित होने पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुझे उस आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया जो अस्तित्व में नहीं है, जो वजूद में नहीं है। एथिक्स कमिटी मुझे उस बात की सजा दे रही है जो लोकसभा में सामान्य और स्वीकृत है, साथ ही जिसे बढ़ावा दिया गया हो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस मुद्दे को इतना बड़ा इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि कहा जा रहा था कि महुआ मोइत्रा ने 2 करोड़ रुपए लिए, काफी सामान लिए, तो सबूत कहां है? क्या बगैर जांच किए महज ध्वनि मत पर इस रिपोर्ट को पारित किया जा सकता है? क्या विपक्ष रिपोर्ट भी ना पढ़े? क्या विपक्ष को इस रिपोर्ट पर अपनी राय देने का अधिकार भी ना हो? बड़ा प्रश्न ये, क्या इस मुद्दे पर महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं है? यह बार बार हो रहा है संसद के अंदर। बिलों पर बहस नहीं होती है, पारित करा दिया जाता है। किसान के 3 कानून लाए जाते हैं बगैर बहस के राज्यसभा में, उसे पारित कर दिया जाता है और फिर उसी अंदाज में उन 3 बिलों को वापस भी ले लिया जाता है। पारदर्शिता सख्त तौर पर यहां पर कमी दिखाई दे रही है उसकी। पारदर्शिता से आखिर क्यों मोदी सरकार डर रही है? हां, कंगन को आरसी क्या? सीधी सी बात है, अगर महुआ मोइत्रा ने कुछ गलत किया है तो जांच के बाद उन्हें सूली पर लटका दीजिए। मगर क्या इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? कहां है वो सबूत? बड़ा प्रश्न ये, क्या सिर्फ महुआ मोइत्रा हैं जिनका लॉगिन अकाउंट दूसरे लोग खोल रहे थे? कई सांसद कह रहे हैं कि मेरा पीएस ही हैंडल करता है। क्या इस बात को लेकर पारदर्शी जांच नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो 300 सांसद हैं उनका लॉगिन कौन हैंडल कर रहा था, किस शहर में कहां खुल रहा था? ये सवाल हैं, इनके जवाब दिए जाने चाहिए और सरकार को इससे बचना नहीं चाहिए। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।